आज 8-10 साल हो गया रहा, ऐसा तरक्की नहीं आज के डेट में, बड़ा जोर तरक्की हुई यहाँ का। सरकारी वैकेंसियाँ कम से कम उसको जो है उसको कंटिन्यू करते रहे। बेरोजगारी इस समय चरम पे चले, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। यूपी का चुनाव हो या बिहार का हो, यहाँ जातिवाद चलता है। कहाँ से हैं? हाँ, भदोही जिला से। अच्छा, कैसा लगा प्रयागराज? बहुत अच्छा लगा था, स्थानीय। हाँ, जैसे सरकार कुछ काम उम कैले पे कि नहीं? अरे सरकार रच के नहीं किए हैं मोदी सरकार। अच्छा, तो बहुत किए हैं इनकी, बहुत किए हैं, ऐसा सरकार कोनो सरकार नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, आज 8-10 साल हो गया रहा, ऐसा तरक्की नहीं आज के डेट में, बड़ा जोर तरक्की हुई यहाँ का। अच्छा, ये बताओ, 2024 में चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के, तो केकरे पक्ष में जात बटा? फिर मोदी आवत है। काहे फिर मोदी आवत है, और क्यों कहे? नगद की काम बा। अच्छा, और का नेवर की काम होता है, इतना रहते हैं। अच्छा, और का आजमगढ़ से हैं। अखिलेश यादव अधिकतर वो गढ़ माना जाता है सपा का, तो आपको मैंने वहाँ आजमगढ़ में काम उम कुछ हुआ है? अखिलेश जी काम करते हैं कि? काम तो हम उनके पिताजी मुलायम सिंह, बहुत विकास वहाँ पे हुआ है, जैसे रोड पे जो बहुत है, उसके बाद जेल बन गया, बहुत बड़ा चौराहे बन गए हैं, उसके बाद PGI वहाँ पे है, कमिश्नरी वहाँ पे आ गई है, तो अब तो मान ली सरकार ने वो भी कर दिया है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी भी दे दी है, राज यूनिवर्सिटी इस गवर्नमेंट में आया है, काम बहुत हुआ है वहाँ पे। जो एनकाउंटर हो रहा है भैया यहाँ पर, आप इसको मतलब कहाँ तक सोचते हैं, क्या सोचते हैं? असल का है कि कुछ फेक इनकाउंटर हुए हैं। अच्छा, कुछ हुए हैं तभी कोई बात हुई है। दरअसल ये जो इनकाउंटर हुए हैं, पुलिस उसमें खड़ी है। अब जब आप पुलिस के सामने जब सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए तो सभी लोग कहते हैं फेक इनकाउंटर हुआ है। कहते हैं कि सपा उसको बढ़ावा दिया, सपा उसको पाला पोसा। नहीं, देखिए गुंडे तो हर पार्टी में, ऐसा कोई नहीं, जो बड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, जनता ने उनको आगे की। एक बार फूलपुर से सांसद हुए, विधायक हुए, उसके बाद फिर जो हुआ वो तो जान ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए योगी जी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? योगी जी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बेरोजगारी पे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है कि थोड़ा बेरोजगारी है, जो सरकारी वैकेंसियाँ कम से कम उसको जो है उसको कंटिन्यू करते रहें। हाँ, काम तो हो रहा है, काम ठीक है, किंतु बेरोजगारी पे जानते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय चरम पे चले, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। कि जैसे अखिलेश भैया कई विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके 2024 में टक्कर देने के लिए कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे और सरकार अपनी लाएंगे, तो आपको क्या लगता है ये मतलब हो पाएगा? ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जनता है, अगर गठबंधन करके लड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी का चुनाव हो या बिहार का हो, यहाँ जातिवाद चलता है। अच्छा। जो जितना अच्छा जात को अपने हिसाब से ढाल लेगा, जितना जात को अपने हिसाब से जोड़ लेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे चुनाव होता है। आप लाख विकास कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। क्योंकि यूपी बिहार का ऐसा चुनाव ही होता है, जो जात ज़्यादा जहाँ सबल, उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है और वहाँ पे वो चुनाव जीतता है। महंगाई पे आपकी क्या विचार है? महंगाई तो है, महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, किंतु भारत पे, किंतु महंगाई भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई डीजल पेट्रोल आज इतना महंगा है कि जो हम रसिया से खरीद रहे हैं तेल, उतना महंगा है नहीं जिस हिसाब से, किंतु सरकार को काम और भी करना है। इस वजह सरकार कहती है कि हम पैसा लेके काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो रोड बनवा रहे हैं ठीक, थोड़ा आम जनता का भी तो ध्यान दिया चाहिए। आज दाल का रेट कहाँ है जान ही रहे हैं, सड़क बनवाने से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।